ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 20th of June इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्केलेटन मिले हैं। ये केलाडी कुछ एक्सकेवेशन हुआ है वहाँ पर मिले हैं। ये तमिलनाडु के अंदर एक रिवर है, वगई रिवर, उसके आसपास में ये बच्चों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब काफ़ी पुराने अवशेष हैं ये। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है IES के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में आया था। इसको रूल ऑफ इंडेक्स इंडेक्स के नाम से एग्जाम में पूछा गया था, और रूल ऑफ इंडेक्स क्या होती है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो IES कभी कभी क्या करता है कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। PM स्वनिधि, स्वनिधि एक का पूरा मतलब होता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसमें क्या होता है, स्वनिधि, निधि का मतलब होता है धन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और जो SIDBI जो बैंक है उसने मिलकर के इसको किया है। इसमें इसको मैनेज जो कर रहा है वो है क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, और जो MSME सेक्टर के जो बेचारे जो जो लोग होते हैं उनको पैसा दिया जाएगा। 10,000 से लगा करके 50 लाख तक इसमें लोन ले सकते हो। इसमें क्या, जो वेंडर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, रिक्शा वाला हो गया, उन सबको जो है पैसा वगैरह दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है थोड़ा ध्यान रखें इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। एक गाफा टैक्स जो है वो फ्रांस के द्वारा लगाया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके उसको कि भाई कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है और टैक्स कुछ देती नहीं है। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स हैं यहाँ पर। इंडिया के अंदर भी इस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे इक्वलाइजेशन टैक्स जो है IES के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 6% जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लगाया जाता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर। इसके अलावा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये जो होती है इसके ऊपर भी एक टैक्स लगाया जाता है। एक तरह का कॉरपोरेट इनकम टैक्स होता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट या सेल ऑफ डेटा या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो डेटा के ऊपर जो भी टैक्स होता है वो इसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसको। इसके बाद शेयरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा डेटा जो है, ये इंडिया जो है इसका मेंबर बना है, काफ़ी पुराना है ये। तो इन्फ्लुएंजा का जो भी डेटा होता है वो इंडिया शेयर करता है। जीनोम सिक्वेंसिंग जो होती है इसमें क्या होता है कि जो DNA या RNA होते हैं उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि भाई उसका कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, वाट एवर। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की हम बात करें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको बनाया गया था 2005 में, तो यू शुड नो। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ये क्या करती है कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है, जैसे ये फॉरेस्ट के अंदर पेड़ लगे हुए हैं, अब इनको काट करके इसके ऊपर मॉल बनाना है या नहीं बनाना है, ये इसका डिसीजन जो है ये कमेटी लेती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस ये देती है, इसको एक्ट के तहत बनाया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। इंडिया और चाइना के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था जिसको अपन बॉर्डर पीस ट्रिंक्वालिटी एग्रीमेंट कहते हैं। ट्रिंक्वालिटी का मतलब होता है पीस एंड एग्रीमेंट। अब ये कुछ काम तो कर नहीं रहा है। इरावडी डॉल्फिन जो है सबसे कम, लोएस्ट जो होती है सबसे कम मात्रा में जो है पूरे भारत के अंदर पाई जाती है। ये बैकिश वाटर के अंदर होती है, चिलिका लेक के आसपास ये काफ़ी देखने को मिलती है। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है वो एक तरह का बुद्धिस्ट टेक्स्ट होती है, एक तरह की किताब होती है जिसके अंदर जब भगवान बुद्ध का एनलाइटमेंट हो गया था उसके बाद ये किताब को लिखा गया था। ये सारनाथ के अंदर जो मौर्यन पिलर पाया जाता है उसके ऊपर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो लायन कैपिटल के नाम से भी सारनाथ को अपन जानते हैं। नालंदा महावीर की अपन बात करें तो नालंदा जो है ये यूनिवर्सिटी गुप्त काल के अंदर कुमार गुप्त के द्वारा बनाई गई थी, और होन सेंग और फायन यहाँ पे आए थे। गुप्ता जब ख़त्म हो गया, यानी गुप्ता का काल जब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कन्नौज का राजा था हर्ष, उसने भी इसके अंदर काफ़ी काम करवाया था। तो कन्नौज ने भी इसको सपोर्ट किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते एंशियंट पोर्ट सिटीज़ की अपन बात करते तो जैसे कांची, मदुरई, ये मुजी, ये सब कहाँ है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि IAS में ये पूछे जाते हैं। So this is our news finish. Thank you.